जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 का हिंदी का 4 नंबर लेसन देखेंगे, जिसका नाम है भोला राम का जीव। और आज हम इस वीडियो में भोला राम के जीव का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति, एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भोला राम के जीव के कितने दिन पहले ही देह त्याग थी, मतलब तो उसने देह त्यागी थी या कब मर गई थी, तो 5 दिन पहले। ठीक है, भोला राम के जीव ने, भोला राम के जो जीव थे, जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्यागी थी। ओके, 5 दिन पहले ही मर गए थे। नारद भोला राम का घर पहुंचाने गया ना माँ बेटी की सम्मिलित कुंदन सुनकर। ठीक है, तो वो कब गया था? ठीक है, तो वो होगा माँ बेली, माँ बेटी जब सम्मिलित हुई थी ना क्रंदन सुनकर, क्रंदन सुनकर तब नारद भोला राम को घर पहुंचाने गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर ग, धर्मराज के अनुसार नर्क के इमारतें बनाकर, नर्क में इमारतें बनाकर रहने वालों में कौन शामिल है? तो ठेकेदार, इंजीनियर, ओवरशियर, ये सभी। ठीक है, ये तीनों ही वहाँ पे इमारतें बनाकर रहने वालों में शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़े साहब ने नारद को भोला राम के दरख्वास्तों पर वजन रखने की सलाह दी, तो यहाँ वजन का अर्थ क्या है? तो वजन का अर्थ है रिश्वत ना, रिश्वत यानी पैसे की बातें कर रहे हैं। भोला राम का घर किस शहर में था? तो भोला राम का घर जबलपुर शहर में था। कहाँ पर था? जबलपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोला राम को सेवानिवृत्त हुए कितने वर्ष हुए थे? सो भोला राम को सेवानिवृत्त हुए 5 वर्ष हुए थे। कितने साल हुए थे? 5 साल। भोला राम की पत्नी ने भोला राम को किस बीमारी का शिकार बताया? सो भोला राम की पत्नी ने भोला राम को गरीबी की बीमारी का शिकार बताया, मतलब गरीबी है उसी को बीमार बताया। भोला राम ने मकान मालिक को अपने कितने साल से किराया नहीं दिया था? सो भोला राम ने मकान मालिक को 1 साल से किराया नहीं दिया था, 1 साल हो गए थे उसने पैसे नहीं दिए अभी तक। ओके, बड़े साहब ने नारद से भोला राम की पेंशन मंजूर करने के बदले क्या मांगा? सो बड़े साहब ने नारद से भोला राम की पेंशन मंजूर करने के बदले में उनकी वाणी मांगी। क्या मांगी? उनकी उनकी वीणा, वो जो बजाते थे वीणा, उससे मांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, यह किस घटना का संकेत मिलता है? सो जब भी मनुष्य की अंतिम घड़ी आती है, धर्मराज अपने यमदूत को उसका प्राण लाने भेजते हैं, ताकि धर्मराज के दरबार में उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग या नर्क में उसे भेजा जा सके। भोला राम के जीव में 5 दिन, भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्याग दी थी, है ना, 5 दिन पहले की मृत्यु हो गई थी, पर यमदूत अभी तक भोला राम को लेकर दरबार में हाजिर नहीं हुआ था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, यहाँ इसी घटना का संकेत मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यमदूत ने भोला राम के जीव को लापता होने के बारे में क्या बताया? तो यमदूत ने भोला राम के लापता होने के बारे में यह बताया कि जब उसने भोला राम के जीव को पकड़ा और यमलोक की यात्रा हो, तो नगर के बाहर आते ही दोनों एक तीव्र वायु तरंग पर सवार होने की ही वाले थे कि वह उसके चंगुल से निकल भागा और उसने 5 दिनों तक उसकी तलाश में सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर भोला राम की जीव कभी कहीं नहीं मिली। मतलब तो दोनों जान जा रहे थे, ठीक है, यमदूत और वे भोला राम दोनों सब जा रहे थे, बट अचानक क्या हुआ, भोला राम का जो जीव था वो गायब हो गया हवा में, और 5 दिन ढूंढा बट नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मराज के नर्क में किन किन लोगों के आने की पुष्टि की? ओके, उन लोगों ने क्या क्या अनियमितताएँ की थी। ओके, सो आंसर देखिएगा, धर्मराज ने नर्क में बड़े बड़े इंजीनियर, ठेकेदार और ओवरशियर के आने की पुष्टि की। ठीक है, यहाँ पर ये लोग आते थे और उन लोगों की अनेक अनियमितताएँ की थी, जिनमें बड़े बड़े इंजीनियर ने ठेकेदार के साथ मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया, इन लोगों ने इस तरह से पैसा खाया था। ओवरशियर ने तो मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा खाया, ठीक है, मजदूरी को हाजिरी जो मिलता है ना उसका पैसा उन्होंने खाया, जो कभी काम पर आए ही नहीं थे। ऐसे लोगों का उन्होंने बताया कि जो लोग आए हैं बट है ही नहीं वो लोग, और उनके नाम की मजदूरी को किसने खाया? ओवरशियर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भोला राम की पारिवारिक स्थिति पर प्रकाश डालो। तो भोला राम की पारिवारिक स्थिति पर बताने को कहा गया है, भोला राम जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले के नाले के किनारे एक ढेर कमरे के में टूटे फूटे मकान में अपनी पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की के साथ रहता था। ठीक है, फैमिली में पत्नी थी, 2 बेटा था और 1 बेटी। छोटी सी सरकारी नौकरी से उसका परिवार चला रहा था, पर जब नौकरी की में रिटायर हुआ तो पेंशन के पैसे उनसे मिलने चाहिए थे, पर 5 साल पहले रिटायर होने के बावजूद उसे पेंशन नहीं मिला। 5 साल पहले रिटायर्ड हो गया बट स्टिल उसे पैसा पेंशन जो नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उसकी घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। मतलब रिटायरमेंट के पैसे नहीं मिल रहे तो घर कैसे चलेगा, है ना,
तो बहुत ख़राब स्थिति हो रहा था, चल रहा था। घर के गहने बर्तन सब बिक चुके थे, यहाँ तक कि भोलाराम ने घर का भाड़ा भी 1 साल से नहीं भरा नहीं दिया था। मतलब भोलाराम के पास पैसे नहीं तो कहाँ से भाड़ा देगा, है ना? तो घर का भाड़ा भी नहीं दिया था। इस आर्थिक स्थिति के कारण अंत में उसने संसार को ही छोड़ दिया। तो इतनी आर्थिक ना उसको प्रॉब्लम मिला कि उसने संसार ही छोड़ डाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भोलाराम ने दरख्वास्तें को तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा गया था रखा था इसलिए कहीं उड़ गई होगी। दफ्तर के बाबू के ऐसा कहने का क्या आशय था? तो मतलब भोलाराम ने जो मतलब एप्लीकेशन दिया था दरख्वास्त, उसमें पैसा नहीं था ना, इसलिए उसका काम ही नहीं हुआ, तो कागज़ कहीं उड़ गया होगा, इस तरह से दफ्तर के बाबू ने कहा ना। तो इसका मीनिंग क्या है? तो भोलाराम की दरख्वास्त तो भेजी थी, भोलाराम ने दरख्वास्त तो भेजा पेंशन के लिए पर उन पर वजन नहीं रखा था, मतलब पैसा नहीं दिया था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। ऐसा कहने पर दफ्तर के बाबू का आशय यह था कि भोलाराम ने पेंशन मंजूर करवाने के लिए पेंशन मंजूर करवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए दरख्वास्तों दरख्वास्तों के साथ पैसे नहीं रखे थे। फिर कागज़ तो लिख के दे दिया एप्लीकेशन, लेकिन पैसा नहीं दिया, अर्थात भोलाराम की रिश्वत देनी चाहिए थी, उसे रिश्वत देना चाहिए था। आज के ज़माने में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता, आप सभी को पता है, कुछ भी ऑफिशियल काम होता है तो पैसे लगते हैं। इसी भोलाराम का काम नहीं बना और उसकी अर्जी कई फाइल में दबे दबे हाँ किसी कोने में पड़ी रह गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी? नारद को कार्यालय में इधर से उधर बाबू और अफसरों के यहाँ घूमता हुआ देख चपरासी ने नारद को सलाह दी कि यहाँ साल भर भी चक्कर लगाते रहेंगे तो आपका काम नहीं होगा, आप सीधे बड़े साहब से मिलिए। ओके, मिलने को कहा, आप सीधे बड़े साहब से मिलिए। ओके, यह लगा दीजिएगा, अगर उन्हें अगर खुश कर लिया तो समझो आपका काम हो गया। ठीक है, तो उनसे मिलने से अगर वो खुश हो गए तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के पेंशन केस के बारे में क्या बताया? सो बड़े साहब ने भोलाराम के पेंशन केस के बारे में नारद को बताया कि उनका कार्यालय भी एक मंदिर की तरह है, जहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, मतलब जैसे मंदिर में हम लोग दान करते हैं ना, वैसे ही इस मतलब ऑफिस में भी करना पड़ता है दान पुण्य। ओके, भोलाराम ने पेंशन पाने के लिए अर्जी के ऊपर वजन नहीं रखा था, यानी अफसरों को रिश्वत नहीं दी, इसलिए उसकी अर्जी आज तक फाइल में दबी रह पड़ी है। पेंशन का जो केस था कई दफ्तरों से होकर जाता है और उनमें तुरंत काम करने के लिए अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन भोलाराम ने यही नहीं किया, उसने जस्ट रिश्वत जो नहीं दिया, इस वजह से उसका काम ही नहीं हुआ, इसी कारण उसका काम आज तक रुका हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भोलाराम का जीव नामक व्यंगात्मक कहानी समाज में फैले भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करता है, कहानी के आधार पर पुष्टि करो। तो ये जो केस है वो रिश्वत का केस है और इसके वजह से हमारे समाज में बहुत गलत असर हो रहा है ना, लोग मर जा रहे हैं पैसों की प्रॉब्लम की वजह से, तो बहुत गलत है कि नहीं? ओके, इसका आंसर देखिए, भोलाराम का जीव एक व्यंगात्मक कहानी है। लेखक हरिशंकर परसाई ने इस कहानी के माध्यम से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का पर्दाफाश व्यंगात्मक तरीके से किया है। ओके, से किया है। ओके, इस कहानी में भोलाराम एक सरकारी कर्मचारी होता है, वो एक सरकारी ऑफिसर मतलब कर्मचारी होता है जो 5 साल से अपनी पेंशन की अर्जी पास कराने के लिए दफ्तरों में चक्कर काटता फिरता है, बार बार ऑफिस जाता है बट कोई काम ही नहीं होता है, पर उसका काम नहीं होता है। हाँ, आखिर इन सब से हार कर वह मृत्यु का रास्ता अपनाता है और लास्ट में वो फाइनली मृत्यु को मतलब अपना लेता है। लेखक ने भोलाराम की मौत के बाद उसका जीव यमलोक न जाकर पेंशन की अर्जी में अटकने की बात को लेकर यह दर्शाने की कोशिश की है कि यहाँ आज समाज में भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी की जड़ें गहरी होती जा रही है। आज भोलेराम जैसे कई गरीब व्यक्ति जो रिश्वत से अनजान होते हैं और या रिश्वत देने में असमर्थ होते हैं, उनका काम जो है सरकारी दफ्तरों में कहीं ना कहीं इसी प्रकार लटका रह जाता है। मतलब वो कहना चाहते हैं लेखक कि पैसे नहीं देने की वजह से, रिश्वत नहीं देने की वजह से काम जो अधूरा रह जाता है और उन्हें चक्कर काटना पड़ता है। बड़े अफसर जो वजन रखने की बात कहते हैं, उससे यह साफ साबित होता है कि आज के समाज में रिश्वतखोरी ने पूरी तरह जकड़ लिया है। मतलब समाज को अच्छे से जकड़ा किसने है? रिश्वतखोरी ने। ठीक है, इसलिए जो भी काम करेंगे पैसे चाहिए, पैसे नहीं है तो काम नहीं होगा आपका, तरह का प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती, इसका स्पष्ट करने दिया है। पेपर वेट का काम होता है ज़रूरी कागजों को हवा से झोंकों से बचाना, है ना। जो ज़रूरी कागजातों हैं उनको हवा से बचाने के लिए पेपर वेट रखा जाता है। उड़ते कागजों
को तो पेपर भी रोक लेता है, पर यदि कृषि कार्यालय में कृषि काम को करवाने के लिए खाली कागजों के साथ पैसा का वजन नहीं देंगे तो काम नहीं बनेगा, अर्थात पैसे का वजन रखना पड़ता ही है। तभी उन अर्जियों पर काम होगा। विडम्बना यह है कि आज सरकारी दफ्तरों पर इसी तरह काम करवाने के लिए घूस देनी पड़ती है। चपरासी से लेकर बड़े अफसरों तक घूस का सिलसिला चलता आ रहा है। जो जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा घूस दे सकेगा उसका काम भी उतनी ही जल्दी हो पाएगा। ठीक है, तो जितनी जल्दी जो रिश्वत देगा उतना उसका काम उतनी ही फास्ट उतना फास्ट होगा। ठीक है, हमारे वीडियो का अच्छा लास्ट क्वेश्चन है। यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। ओके, तो आपको आंसर बताना है कि ये मंदिर कैसे हो गया, ऑफिस है ये, तो वहाँ दान पुण्य क्यों करना है उसके बारे में लिखना होगा। धार्मिक स्थलों में लोग अपनी फरियाद लेकर जब वहाँ दान पुण्य कर आते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। सरकारी कार्यालयों या अन्य दफ्तरों पर यदि किसी को अपना काम करवाना है तो उन्हें बड़े बड़े उन्हें बैठे बड़े अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है, यानी कहा जाए तो मंदिर की तरह उन्हें भी प्रसाद चढ़ाना पड़ता है ना। प्रसाद यानी क्या, पैसा। अगर पैसा चढ़ाओगे आप तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जो दान पुण्य, इसलिए पुण्य इसमें होगा, दान पुण्य करेगा, पुण्य यानी यहाँ पे। ठीक है, जो दान पुण्य करेगा उसका काम बनेगा, नहीं तो उसकी फरियाद अनसुनी कर दी जाएगी। इसे लेखक ने व्यंग के तौर पर इन भ्रष्टाचार से भरे दफ्तरों को मंदिर कहा है और उन्हें भी जाने वाली रिश्वत को दान कहा है। तो उन्हें जो दी जाती है दान रिश्वत उसे दान कहा है। मतलब बात तो बहुत सीरियस टॉपिक है, लेकिन उन्होंने व्यंग बताते हुए इसे दर्शाया है लेखक ने, है ना। और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक बटन प्रेस करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्जाम ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।